सो लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 10.4 कंप्लीट कर ली थी। अब एक्सरसाइज 10.5 स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमें एक और थ्योरम सीखनी पड़ेगी क्योंकि उसी पे बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है। सो नेक्स्ट थ्योरम जो हमारे पास है दैट इज एंगल सबटेंडेड थ्योरम। सो एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल। पहले ये समझ लेते हैं कि ये है क्या चीज़ है थ्योरम। सो यहाँ पे पहले तो एंगल सबटेंडेड आपको समझ में आना चाहिए कि एंगल सबटेंडेड का मतलब क्या है, मीनिंग क्या है। सो एंगल सबटेंडेड का मीनिंग देखिए क्या है। अगर आपके पास मैंने पी और क्यू आपको दो पॉइंट बनाए, सो आप देखिए पी से क्यू तक ये लाइन डबल हो रखी है। ये बेसिकली पी से क्यू क्या है, आपकी एक आर्क है। ठीक है, सेंटर इज ओ, ओ से पी मैंने ज्वाइन कर दिया ओ से क्यू। अब आप एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ द सर्कल का मतलब है कि अगर पी क्यू एक आर्क है, सो पी क्यू से एंगल सेंटर पे जो बन रहा है उसको हम एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क बोलते हैं। ठीक है, पी क्यू से सेंटर पे एंगल कौन सा बन रहा है, ये पी ओ क्यू। सो पी क्यू आर्क से सेंटर पे जो एंगल है इट इज नोन एज एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। ये मीनिंग है। बट जो हमारी थ्योरम है, थ्योरम क्या कहती है, दैट इज थ्योरम 10.8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड आपको एग्जाम्स में 4 मार्क्स में ये थ्योरम जो है वो आपको आती है ज्यादातर। सो थ्योरम देखिए पहले इसका मीनिंग क्या है। थ्योरम का एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट दी सेंटर। अब ध्यान रखिए एंगल जो है एक आर्क बनाएगी कहाँ पे, सेंटर पे, इज डबल, यानी सेंटर पे जो एंगल बन रहा है आर्क के थ्रू वो डबल होगा किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। मतलब वही आर्क अगर सर्कल के रिमेनिंग किसी भी पार्ट पे एंगल बनाती है उसका डबल होगा, कौन सा, जो सेंटर पे बनाए। अब इसको फिगर से समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए आपके पास ये फर्स्ट फिगर है। इस फर्स्ट फिगर में देखिए हमने पी क्यू दो पॉइंट्स बना लिए। अब पी क्यू पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए तो आपके पास बेसिकली ये आर्क जा रही है पी क्यू। इस पी क्यू आर्क से सेंटर यानी ओ पे जो एंगल बन रहा है वो ये बनेगा पी ओ क्यू। और ये तो हो गया एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट दी सेंटर, यानी यहाँ तक ये हमने हो बना लिया कि सेंटर पे एंगल बन रहा है। अब डबल के बाद यानी कि यहाँ से यहाँ तक क्या बोल रहे हैं वो, द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। यानी पी क्यू आर्क से ही सर्कल का रिमेनिंग पार्ट, यानी मान लीजिए ये ओ पॉइंट है, सो मैंने पी क्यू आर्क से ही यहाँ पे ए पॉइंट पे, सॉरी ए पॉइंट पे एक एंगल बनाया। सो ये एंगल कौन सा है, पी ए क्यू। तो आप देख रहे हो आपको दो एंगल दिख रहे हैं, एक सेंटर ओ पे जो कि पी ओ क्यू एंगल है और एक ए पॉइंट पे जो कि पी ए क्यू एंगल है। तो वो कह रहे हैं कि जितना पी ए क्यू एंगल है, मान लीजिए अगर ये एंगल आपके पास 10 डिग्री है पी ए क्यू, तो जो सेंटर पे बन रहा होगा वो आपके पास 20 डिग्री होगा। ठीक है, जितना रिमेनिंग पार्ट पे एंगल होता है उसका डबल आपके पास कहाँ पे होगा, सेंटर पे। बट कंडीशन क्या है कि दोनों के दोनों एंगल एक ही आर्क से बनने चाहिए। जैसे आप देख सकते हो पी क्यू आर्क से ही देखे ये सेंटर पे एंगल बन रहा है पी ओ क्यू, और पी क्यू आर्क से ही इधर रिमेनिंग पॉइंट पी ए क्यू एंगल बन रहा है। सो दोनों एंगल सेम आर्क से बनने चाहिए और सेंटर पे एंगल डबल होगा, रिमेनिंग पॉइंट पे हाफ होगा। ठीक है, ऐसे इन्होंने देखिए दो फिगर्स और बनाई हैं। जब आप ये थ्योरम अटेम्प्ट करते हैं सो बेसिकली आपको स्कूल में बोला जाता है कि फिगर्स तीनों ड्रॉ कीजिए बट आप प्रूफ एक ही को कर सकते हो। ठीक है, सो उससे भी चल जाएगा। सो फिगर हम तीन तरीके की ड्रॉ करते हैं बट प्रूफ हम फर्स्ट पार्ट के थ्रू ही कर देते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड फिगर जो है आपके पास, ये जब मैं आपको पूरा प्रूफ करवाऊंगी
तब आपने ये करना है। अभी के लिए सिर्फ आप स्टेटमेंट समझिए, क्योंकि सारे थ्योरम्स के प्रूफ मैं एक जगह आपको एंड में करा दूंगी। अभी स्टेटमेंट समझिए। सो स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आई होगी कि एक ही आर्क से सेंटर पे एंगल डबल बनता है और रिमेनिंग पार्ट पे एंगल वो हाफ होता है। ठीक है, अब इसी थ्योरम को यूज करके हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे मूव ऑन करते हैं। और ओके, एक और भी कर लेते हैं ताकि वो भी आगे काम आनी ही है, थ्योरम 10.9। अब थ्योरम 10.9 कहती है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। अब सेम सेगमेंट देखिए कैसे। अब मान लीजिए ये पी और क्यू ये पॉइंट है, मैंने यहाँ पे इनको जोड़ के एक कॉर्ड बना दी। आपको पता है कि सेगमेंट कैसे बनती है, पी क्यू कॉर्ड और यहाँ से ये जो पी क्यू आर्क है ये वाला, इसका बीच वाला एरिया, ये आपके पास क्या होगा, सेगमेंट होगा, हमने लास्ट लेक्चर में किया था। तो ये जो पी क्यू कॉर्ड है इससे सेगमेंट कौन सी बनी है, एक तो जो ये नीचे वाली सेगमेंट है और दूसरी जो ये ऊपर वाला पोर्शन बच गया, मतलब एक सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, नीचे वाला पोर्शन माइनर सेगमेंट, इस पी क्यू कॉर्ड के ऊपर वाला जितना सर्कल बचा वो मेजर सेगमेंट। ठीक है, अब आपको पूछा है एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखो, अब अगर मैं ये बना देती हूँ, एक बार मैं इरेज कर दूँ, वेट, आपके पास ये P पॉइंट है और Q है। PQ से एक तो मैंने A पॉइंट बना दिया, एक ये वाला एंगल बना दिया, एक PQ से ही मैंने एक और एंगल बनाया है PCQ, मतलब दोनों के दोनों एंगल मैंने PQ कॉर्ड से ही बनाए हैं, PAQ एंड PCQ। और अगर मैं PAQ और PCQ एंगल्स को देखूं तो ये सेगमेंट के अपर हाफ में आते हैं, मतलब ये जो PQ कॉर्ड है इसके अपर हाफ में ये दोनों एंगल आते हैं, यानी मेजर सेगमेंट में ये दोनों एंगल आते हैं। सो अगर एक ही सेगमेंट में जो एंगल्स होंगे वो हम इक्वल कर सकते हैं, ये रीजन देके दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब मान लीजिए यहाँ पे ये जो छोटी वाली सेगमेंट है, नीचे मैंने रेड से शेड कर रखे, यहाँ से मैं एक एंगल ये बना देती हूँ, ठीक है, और इसी पी क्यू से एक एंगल ये बना देती हूँ, तो जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा और जो यहाँ पे एंगल बन रहा होगा वो भी बराबर होगा, क्योंकि वो नीचे वाली सेगमेंट में आ रहा है। ऐसे ही ऊपर वाली सेगमेंट में जो दो एंगल आ रहे हैं पी ए क्यू एंड पी सी क्यू, वो भी आपके इक्वल होंगे। सो थ्योरम 10.9 आई होप आपको समझ में आई होगी कि एक ही सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं उनको हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास जो थ्योरम या प्रॉपर्टी, ओके एक और प्रॉपर्टी है, ये भी काफी काम आ जाती है, दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। मतलब आप सेमी सर्कल बना दीजिए, मान लीजिए मैंने ये एक सर्कल बना दिया, ये सर्कल का सेंटर से मैंने एक लाइन ले गई, ये ओ सेंटर है सर्कल का, ठीक है, सो ये ऊपर वाला जो हो गया वो सेमी सर्कल हो गया, यानी सेंटर से मैंने डिवाइड कर दिया दो सर्कल्स में, दोनों हाफ ऑफ सर्कल्स हो गए। ठीक है, अब अगर मैं ये ऊपर सेमी सर्कल में ऐसे करके एक एंगल बना देती हूँ, ठीक है, तो ये वाला एंगल जो है मेरा 90 डिग्री होगा। ऐसे ही नीचे वाले सेमी सर्कल में भी मान लीजिए मैंने एक एंगल बना दिया, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है जो आपको काम आएगी। ठीक है, इस चैप्टर में प्रॉपर्टीज बहुत आपको याद रखनी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपके बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाली है, सो ध्यान रखना। ओके, एक और प्रॉपर्टी, The sum of either pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180. इसमें सबसे पहले तो cyclic quadrilateral क्या होता है? Quadrilateral तो हमने आज तक पढ़ा है, ठीक है? चार sides का कुछ भी हम बना देते हैं तो हम उसको quadrilateral बोल देते हैं, या उससे ज्यादा भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे cyclic quadrilateral क्या है कि देखिए, मान लीजिए मैंने A, B, C, D एक quadrilateral बनाया। अब क्वाड्रिलेटरल को अगर मैं सर्कल के ऊपर बना देती हूँ, मतलब वो क्वाड्रिलेटरल के ऑल फोर वर्टिसेस ऑफ इट लाए ऑन द सर्कल, ए बी सी डी चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए करते हैं, तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम साइक्लिक बोलते हैं।
साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, ठीक है। सो आई होप मीनिंग आपको समझ में आया होगा। अब वो यहाँ पे थ्योरम में कह रहे हैं कि ईदर पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर इज 180, यानी अगर मैं इस फिगर में देखूँ तो ए बी सी डी मेरा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो अगर मैं एंगल ए और एंगल सी को देखूँ, ऑपोजिट एंगल्स हैं, इन ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा। ऐसे ही अगर मैं एंगल बी और एंगल डी को देखूं तो इनका सम भी कितना होगा, 180, ठीक है। सो ये आपकी थ्योरम 10.11 कह रही है, ठीक है। और इसी का उल्टा थ्योरम 10.12 है कि अगर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 आ जाता है तो हम उसको कह सकते हैं कि वो साइक्लिक है। उसी चीज का उल्टा, अगर साइक्लिक है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होगा, और अगर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो साइक्लिक होगा। ये आपकी दोनों थ्योरम है जो एक दूसरे की उल्टी, ठीक है। इसके बाद हम सीधा आते हैं एक्सरसाइज 10.5 पे। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं, 10.5 के क्वेश्चंस करेंगे, उसमें इंप्लीमेंट करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा, ओके। सो आपके पास थ्योरम 10.5 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब जो भी हमने सीखा उसको इंप्लीमेंट करेंगे। फिगर बनानी हर एक क्वेश्चन में बहुत जरूरी है, सो फिगर बनाना नहीं भूलना है। इन द गिवन फिगर ए बी सी आर द थ्री पॉइंट्स ऑन द सर्कल विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 30 एंड ए ओ बी इज इक्वल टू 60। अब देखो, बी ओ सी आपको ये एंगल 30 दे रखा है, ये ए ओ बी आपको 60 दे रखा है। आपको पूछा है एंगल ए डी सी बताइए, यानी कि ये वाला एंगल बताइए। अब देखिए, एक एंगल आपको सेंटर में दे रखा है और एक एंगल रिमेनिंग पार्ट में। यहाँ पे क्लियर है कि आप एंगल सबटेंडेड वाली थ्योरम लगाएंगे। अब थ्योरम कैसे लगाएंगे, देखिए आपके पास ए और सी पॉइंट है, यहाँ से ए से सी तक आपकी एक आर्क जा रही है, यही ए सी आर्क सेंटर पे AOC एंगल बनाती है, यही AC आर्क से रिमेनिंग पॉइंट D पे एंगल ADC बनता है। तो जितना सेंटर पे एंगल होगा वो डबल होता है किसका, रिमेनिंग पार्ट का। अब हमें सेंटर वाला एंगल पता है 60 प्लस 30 कितना है, 90, तो रिमेनिंग पार्ट वाला क्या होगा, आधा ही होगा, क्योंकि सेंटर पे डबल होता है, रिमेनिंग पे हाफ होता है। तो यहाँ पे हम वही प्रॉपर्टी लगाएंगे। सबसे पहले तो AOC कैसे आएगा, एंगल 60 प्लस 30, सब लिखेंगे AOC इज इक्वल्स टू AOB प्लस BOC, यानी 60 प्लस 30 90, ठीक है। अब आपके पास रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल के लिए क्या लगाएंगे, हमें थ्योरम लिखनी पड़ेगी। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। सो जो आपके पास ADC होगा, यानी कि यहाँ पे जो रिमेनिंग पार्ट वाला है वो क्या है, हाफ होगा सेंटर वाले पार्ट के। सो ADC इज हाफ ऑफ AOC, AOC आपके पास 90 डिग्री बन रहा है, उसका हाफ करेंगे तो 45 डिग्री। प्लीज नोट इट डाउन, फिगर बनानी जरूरी है, फिगर के बिना कोई भी क्वेश्चन आप नहीं करेंगे।
हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन नंबर टू सेज अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल. अब यहाँ पे देखिए, आपको एनसीईआरटी में फिगर नहीं दी हुई, तो आपको समझ के फिगर खुद बनानी पड़ेगी क्वेश्चन में, जब पेपर होगा आपका. सो आपको बोला है एक सर्कल की कॉर्ड है, सो आपने एक सर्कल बनाया जिसमें कॉर्ड यानी कि दो पॉइंट्स पे जो टच करती है, सो ए बी हमने एक कॉर्ड बना ली जो कि रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर है. यानी अगर सेंटर ओ है, सो ओ से ए क्या है मेरा रेडियस, ओ से बी भी क्या है रेडियस, और आपकी कॉर्ड क्या है ए बी, यानी कि ये कॉर्ड और रेडियस दोनों बराबर है. यानी ओ ए, ओ बी, ए बी तीनों साइड बराबर हो गई आपकी, ठीक है. तो आपके पास ओ ए बी एक तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल बन चुके, ठीक है. आपको पूछा है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन अ माइनर आर्क. अब आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि माइनर आर्क कौन सी है. अब देखिए, अगर मैं ए और बी से कॉर्ड बना रही हूँ, सो इधर देखिए जो नीचे से जा रही है ए डी बी, ये छोटी आर्क दिख रही है. और अगर मैं ऊपर से लेके जाऊँ, यहाँ ए से बी तक लेके जाऊँ बट थ्रू सी लेके जाऊँ, सो ये पूरा घूम के आऊँगी, तो ये मेरी बड़ी वाली आर्क है, ठीक है. ए से बी डी के थ्रू जाऊंगी छोटी वाली आर्क, ए से बी सी के थ्रू जाऊंगी तो बड़ी वाली आर्क, यानी कि ए डी बी मेरी माइनर आर्क है और ए सी बी मेरी मेजर आर्क है. तो आपको बताना है एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन माइनर आर्क. माइनर आर्क यानी कि ए डी बी, सो यहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड है एक तो ये निकालना है, एंड एट अ पॉइंट ऑन अ मेजर आर्क. मेजर आर्क कौन सी है, ए सी बी, सो इस पे जो एंगल सबटेंडेड है वो भी आपको निकालना है, ठीक है. अब ये दोनों एंगल कैसे निकालेंगे, पहली बात तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है, प्लीज ध्यान से समझना. पेपर में जरूरी नहीं है सेम क्वेश्चन आएगा, आपको एंगल निकालने के लिए जरूर आएंगे, सो कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. सो आपके पास सबसे पहले तो देखिए, इन्होंने बोला था रेडियस और कॉर्ड दोनों बराबर है, यानी कि अगर मैं ओ ए बी ट्राइंगल में लू तो जो कॉर्ड ए बी है वो मेरी रेडियस के बराबर है. ओ ए ओ बी दोनों रेडियस है. तो मैंने जैसे पहले भी बताया था कि क्योंकि तीनों साइड बराबर हैं, ओ ए बी एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई है, ठीक है. अगर मेरी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के हर एक एंगल कितना होता है, 60 डिग्री. सो ईच इंटीरियर एंगल ऑफ दिस ट्राइंगल विल बी 60 डिग्री. ओ ए बी का चाहे मैं ये वाला एंगल लूँ, चाहे ये एंगल लू, चाहे ये वाला एंगल लू, तीनों क्या होंगे 60 60, ठीक है. तो मैं कह सकती हूँ कि जो सेंटर पे एंगल ए ओ बी है 60 डिग्री, ये वाला सेंटर पे एंगल जो है वो मेरा 60 डिग्री एंगल है, ठीक है. मैं पहले सिर्फ यही वाला एंगल ले रही हूँ, ओके. नाउ अब सेंटर पे ये एंगल 60 डिग्री है, तो इधर जो रिमेनिंग पार्ट ए सी बी है वो तो आधा ही होगा ना, क्योंकि रिमेनिंग पार्ट पे हाफ होता है, सेंटर पे डबल होता है. तो मैं कह सकती हूँ ए सी बी जो है वो ए ओ बी का हाफ होगा. ए ओ बी अगर 60 डिग्री है तो ए सी बी 30 डिग्री होगा. इसका ब्रैकेट में रीजन लिखना है. रीजन क्या है, एंगल सबटेंडेड वाला पूरा जो स्टेटमेंट, बट अभी आपको लेंदी हो रहा लिखने के लिए, सो आप शॉर्ट में लिख सकते हैं एंगल सबटेंडेड थ्योरम, ठीक है. बट आपको स्टेटमेंट पूरी याद रखनी है. सो ये 30 डिग्री आ गया, ओके. अब आपके पास देखिए ये वाला एंगल 30 डिग्री आ गया. चलिए, ये मेजर आर्क का एंगल तो निकल गया, ये माइनर आर्क ए डी बी वाला नहीं निकला, ठीक है. अब इसको कैसे निकालेंगे, देखिए आप ए पॉइंट देखो, डी बी सी चारों पॉइंट्स जो है वो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, और ए डी बी सी एक कोऑर्डिनेटरल बन रहा है. सो मैंने आपको सिखाया था जब कोऑर्डिनेटरल के चारों पॉइंट सर्कल के ऊपर आते हैं देन वी कॉल इट एज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल, ठीक है. एंड साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ये भी मैंने आपको सिखाया था. सो मैं कह सकती हूँ कि अगर यहाँ पे साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल ए सी बी डी बनता है, तो इसके ऑपोजिट एंगल यानी कि ये 30 डिग्री एंगल और इधर ए डी बी, ये ऑपोजिट एंगल हुए ना, सी और डी, इनका सम कितना होगा 180 डिग्री. सो ए सी बी प्लस ए डी बी दोनों 180 डिग्री सम होगा. सो यहाँ से ए डी बी निकालना है तो ए सी बी 30 डिग्री माइनस कर देंगे, सो ए डी बी आपके पास 150. यानी ये जो माइनर आर्क से आपको एंगल निकालना था, ये आपके पास 150 डिग्री आपके पास एंगल आ गया, ओके. सो यही आपको पूछा था. इस तरीके से हम जो थ्योरम है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ओके. प्लीज नोट इट डाउन, फिगर ध्यान से ड्रॉ कीजिए.
हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री, आपको फिगर में दे रखा है दैट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 100। सो पी क्यू आर 100 बना रखा है एंड आपको ओ पी आर एंगल निकालना है, यानी कि दिस एंगल। ठीक है, अब ये एंगल कैसे निकालना है ये सोचना पड़ेगा। सबसे पहले आपको फिगर में दिख रहा है कि जो ओ पी है एंड जो ओ आर है, ये दोनों आपके पास क्या है, रेडियस है। सो रेडियस है सो बराबर होंगे। तो अगर मैं ओ पी आर ट्राइंगल में देखती हूँ, ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, देन ओ पी के सामने ये एंगल और ओ आर के सामने ये एंगल, ये भी तो बराबर होंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, सो हम वही करेंगे और हम यहाँ पे एक और पॉइंट भी ड्रॉ कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं एस पॉइंट की। हमने पी से एस भी ज्वाइन कर दिया एंड एस से आर भी ज्वाइन कर दिया। अब करेंगे देखिए कैसे। सबसे पहले तो आपके पास पी क्यू आर एस, अगर हम देखें चारों पॉइंट्स आपके कोऑर्डिनेटरल के सर्कल के ऊपर आते हैं, सो वी कैन कॉल इट एज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। साइक्लिक कोऑर्डिनेटरल के ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये पी क्यू आर एंगल है और इधर पी एस आर एंगल है, दोनों का सम 180 होगा। सो पी क्यू आर प्लस पी एस आर इज इक्वल टू 180। यहाँ से पी एस आर हम निकाल लेंगे 180 माइनस 180। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे 80 डिग्री का एंगल आ गया। ओके, ये रहा 80 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम लगा सकते हैं एंगल सबटेंडेड थ्योरम। आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ आपको एंगल कौन सा निकालना था, ओ पी आर। ठीक है, पहले तो मैं सेंटर वाला एंगल निकाल सकती हूँ, ये वाला पी ओ आर। कैसे, अब आप देखें पी से आर जो ये आर्क जा रही है, पी क्यू आर आर्क, पी क्यू आर आर्क से सेंटर पे एंगल बन रहा है पी ओ आर और रिमेनिंग पार्ट पे क्या बन रहा है, पी एस आर। ये दोनों एंगल जो है पी क्यू आर आर्क से ही बन रहे हैं। ठीक है, तो सेंटर पे डबल होता है और रिमेनिंग पे हाफ होता है। अगर आपका ये रिमेनिंग वाला 80 डिग्री है तो सेंटर पे कितना हो जाएगा, 160 डिग्री, डबल हो जाएगा। सो वही हमने लिखना है दैट पी ओ आर क्या है, ट्वाइस ऑफ पी एस आर। यानी जो ये सेंटर पे एंगल पी ओ आर है, ये पी एस आर का क्या होता है, ट्वाइस होता है। सो पी एस आर अगर 80 है तो ट्वाइस ऑफ 80 ये कितना आ गया हमारे पास, 160 डिग्री। बट हमें सेंटर वाला एंगल नहीं चाहिए, हमें तो ये वाला एंगल चाहिए ओ पी आर। सो अब उसको वैसे ही करेंगे कि पी ओ आर हम ट्राइंगल लेंगे। इसमें आपको पता है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ आर, दोनों रेडियाई हैं, जैसे मैंने आपको भी समझाया। अगर रेडियस बराबर है तो इस ट्राइंगल में देखिए ओ पी के सामने वाला एंगल ओ आर पी और ओ आर के सामने वाला एंगल ओ पी आर, ये दोनों ही इक्वल होंगे, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये दोनों बराबर है बिकॉज एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो अब उसी ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी अगर हम लगा देते हैं, अब यहाँ पे मान लीजिए अगर ये वाला एंगल 1 है तो ये वाला भी तो एंगल 1 ही होगा क्योंकि ये दोनों बराबर है और सेंटर पे जो पी ओ आर एंगल है वो 160 डिग्री बन रहा है। सो तीनों को हम प्लस करके 180 डिग्री कर सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी। तो अब देखिए ओ पी आर कहूँ या ओ आर पी, ये तो दोनों इक्वल है, सो मैं इनको ट्वाइस ऑफ ओ पी आर कह रही हूँ। और POR हमने अभी निकाला है 160 डिग्री इज इक्वल टू 180 एंगल सम प्रॉपर्टी। 160 इधर माइनस हुआ, ट्वाइस ऑफ OPR आपके पास 20 डिग्री आया और 220 से डिवाइड होगा तो OPR आपके पास 10 डिग्री आ जाएगा। सो जो आपको ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोला था इधर OPR इट इज 10 डिग्री। ओके, प्लीज नोट इट डाउन।
ऊपर करना,